अयोध्या के उत्थान की अनेक झांकियां हमारे सामने रख रहे थे माननीय विधायक श्री रामचंद्र जी। ये अयोध्या की विलक्षणता है, यहाँ सुनने वाला भी रामचंद्र, बोलने वाला भी रामचंद्र। हमारे सामने बैठे श्रीमान राजेंद्र प्रताप सिंह जी, ढेर सारे हमारे आत्मीय, मैं अलग अलग नाम लूंगा तो देर लग जाएगी। विशेष रूप से श्री विजय मनोहर तिवारी जी यहाँ विराजमान, बड़े पत्रकार, लेखक और मेरे विशेष प्रिय। पीछे राम प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं और जागरण परिवार, जैसे मैं समझता हूँ वो मेरे लिए हरमत निवास परिवार जैसा ही कुछ है, तो मैं सबका अलग अलग नाम नहीं लेता। यहाँ बैठे आप सभी महानुभावों के प्रति बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं और इस बात की बधाई कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिस और जिस संकल्प और स्वप्न को अपने हृदय में लिए लिए चली गईं, उन्होंने हमारे लिए इतना पुण्य उपार्जित करके छोड़ दिया था कि हम आज ये दिन देखने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां शताब्दियों ने की हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसे कोई ऐसे भी कह सकता है कि ये एक सामुदायिक आयोजन है, इसे कोई इस तरह भी कह सकता है कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, लोग कहते ही हैं। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, राय लेते हैं, आप किस तरह देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देखने की जितनी तरहें होती हैं वो सब आकर इसी में विलीन हो जाती हैं, क्योंकि ये एक बेतरह आयोजन है जिसको किसी तरह में रखा नहीं जा सकता। श्री रामलला श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं, ये आयोजन इतना विराट है कि हमारी रची हुई सारी परिभाषाएं वहां पहुंचकर छोटी पड़ जाती हैं। सौभाग्य से मैं अभी अभी गर्भगृह के दर्शन करके आ रहा हूँ, सीधे उधर से यहाँ आया। हम सबके पास कोई शब्द नहीं है अपने अहोभाव व्यक्त करने के लिए, हम सबके पास कोई भाषा नहीं है कहकर बता देने के लिए। वहां से निकलते ही तिवारी जी ने पूछा कि क्या अनुभव है, तो मैंने कहा जा करके पता चलता है। और जिसको कहा अनुभव गमी में वजह ही यही संता, ये जो जानेगा जो डूबेगा वो इसका अनुभव करेगा, कोई कहकर नहीं बता सकता। और किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, तेजनु वंचित किए विधाता, अब उनको विधाता ने वंचित कर दिया है तो हम उनके लिए कुछ क्या करें। आप सबको बधाई कि आप धन्य हैं कि आप उस अयोध्या में हैं जो फिर से अपने को बसा रही है, और इस बस रही अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की प्रतिज्ञा फलित हो रही है। उन्होंने केकई से कहा था कि तुम उजाड़ तो रही हो अयोध्या को, लेकिन ये उजड़ी हुई रहेगी नहीं, ये बसेगी, क्योंकि ये अयोध्या है, इसको परावृत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका एक नाम अपराजिता है, इसके सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, इसका एक नाम सत्या है। कैसे बसेगी, तो वे कहते हैं सुबस बसेगी फिर यवत सुहाई, अच्छी तरह भली भांति ये अयोध्या फिर बसेगी, क्योंकि इसके बसने में श्री राम के वे गुण कारण हैं जिनसे सदा उजड़े हुए लोग बस जाते हैं। जिसको राम बसा दें त्रैलोक्य में कोई उसे उजाड़ नहीं सकता, ऐसी जिसकी विरुद्धावली हो उन श्री राम को कौन उजाड़ सकता है, उन्हें बसना ही है। उन्होंने थोड़े दिन अपने लोगों को एक अवसर दिया, जो हमारे लिए तपे हैं, जो हमारे लिए खपे हैं, उनकी तपस्या, उनका प्रयत्न, उनके संकल्प, उनके पुरुषार्थ की भी कुछ कीर्ति होनी चाहिए। श्री राम लला ने अवसर दिया अपने लोगों को कि हर बार हम ही धनुष बाण उठा करके सब कुछ करते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। त्रेता में हमने कर दिया था और हमने करके एक रास्ता दे दिया था, जैसे पढ़ा देने के बाद परीक्षा भी होती है ना, तो फिर श्री राम लला ने परीक्षा ली। देखो त्रेता में गड़बड़ हुई थी तो हमने ठीक किया था, और हमने ये बताया था कि कैसे ठीक कर दिया जाता है सब कुछ, और फिर छोड़ दिया था आप लोगों पर कि अब ठीक करके दिखाओ। और कलयुग ने प्रमाणित किया कि हम अब तक भूले नहीं हैं, न श्री राम का पुरुषार्थ, न उनका पराक्रम, न उनकी तितिक्षा, न उनकी सहिष्णुता, और न सब कुछ लौटा लेने का उनका असाधारण अप्रमेय बल, और वो अयोध्या ने करके इस पूरी दुनिया पर प्रकट कर दिया है।
इस होने का किसी के पास कोई नक्शा नहीं था, इस होने की किसी के पास कोई योजना नहीं थी। आज कोई बैठकर इतिहासकार बनता रहे, किसी के पास कोई सांचा नहीं था कि ये ऐसे होगा। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा ही श्री राम करते हैं, और जब होता है तो उनकी कृपा से ऐसा हो जाता है। आज जो शीर्षक है मैं उस पर आऊं, ये तो मैंने अपनी प्रसन्नता में इतनी बातें आपसे कह गया हूं, वो ये सबके राम भी यहां से चर्चा की गई संचालक महोदय के द्वारा। मैं शास्त्रों में आपको ले चलूं, मैं वेदों के संदर्भों में आपको ले चलूं, मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपको घुमाऊं, उसके पहले मैं एक पंक्ति चाहता हूं आपके ध्यान में लाऊं जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसे लता जी ने गाया है। सब में राम, राम में है सब, तुलसी के प्रभु, नानक के रब,